श्रद्धालुओं के लिए यमुनोत्री धाम के कपाट शुभ मुहूर्त के साथ खोल दिए गए हैं। धाम के कपाट खुलने पर तीर्थयात्रियों ने गर्म पानी के कुंड में आस्था की डुबकी लगाई और यमुना के दर्शन किए। चार धाम यात्रा के आगाज पर यमुनोत्री धाम में होटल व्यवसायियों और घोड़ा खच्चरों वालों के चेहरों पर भी खासा उत्साह नजर आया। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने पर तीर्थ पुरोहित ने सरकार से धाम पर कड़ी व्यवस्था की मांग उठाई। कपाट खुलने के दौरान उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजरबाण भी मौजूद रहे। उन्होंने राज्य को आध्यात्मिक राज्य घोषित करने की प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है। अपने आप में ये एक काफ़ी पौराणिक और काफ़ी सार्थक यात्रा बन जाती है। यहाँ पर यहाँ पे एक अलग अलौकिक आपको महसूस होता है क्योंकि काफ़ी 6 किलोमीटर की चढ़ाई करने का आज यहाँ पे आगे आते हुए सबसे अच्छी बात हमें यहाँ पर ये लगी कि आज यमुनोत्री धाम के पास खुल रहे हैं, चारों धाम के पास खुल रहे हैं। हमें आशा नहीं थी कि इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोग होंगे, बट यहाँ पर कई श्रद्धालु आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं। हमारे साथ लोग कन्याकुमारी से लेकर अपने महाराष्ट्र से लेकर और हम खुद ग्वालियर मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ आके। मैं सर्वप्रथम समस्त देशवासियों को चारधाम यात्रा के गंगोत्री अवसर पर माँ यमुना माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश के समस्त नागरिकों की सुरक्षा हो, उन्हें सुस्थ जीवन मिले और आज के दिन में समस्त देशवासियों को सभी श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा के लिए आमंत्रित करता हूँ और आप माँ यमुना के आशीर्वाद से हमारा पूरा जनपद और प्रदेश खुशहाली की ओर बढ़े ये प्रार्थना करता हूँ। और एक जो मैं आज एक पूर्व में मेरी एक मांग रही है सरकार से और एक बार पुनः मैं भारत सरकार से आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उनको एक ज्ञापन प्रेषित कर रहा हूँ। यमुनोत्री धाम के सभी रोहितों की ओर से, जिला पंचायत की ओर से और यहाँ के समस्त उत्तराखंड वासियों के नागरिकों की ओर से कि उत्तराखंड जो राज्य है वो देश में भारत की आध्यात्मिक राजधानी के तौर पर उसे किया जाए, क्योंकि उत्तराखंड में समस्त देवी देवताओं का निवास है। अतः उत्तराखंड राज्य को हमारी सरकार, भारत की सरकार आध्यात्मिक राजधानी घोषित करे। और क्योंकि आप देख रहे हैं चार धाम ही नहीं अपितु कण कण में यहाँ पर देवी देवताओं का निवास है,